तो अभी मेरे पीछे दो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर रही थी। सबसे बड़ा काम, रेडी हो जाओ, कपड़े पहन लो और बाल बालो। उसके बाद में क्या करना है, आधा गर्म पानी लेना है, आधा ठंडा पानी लेना है। इसमें यूं हाथ यूं करने, यूं 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 करना है। आप रेडी हो और किसी एंगल से नहीं लग रहे कि आप नहा के ना आए हो, लग रहा हूं ना नहाया हुआ। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह जल्दी उठा हूँ, कॉलेज जाना है और ये तिगड़म बाद ये ऐसे किए हैं, उधर जाने के लिए किए हैं। लास्ट 2021 में गया था कॉलेज और अब जा रहा हूँ 2022 में। और सुबह मतलब यार आंख नहीं खुलती ऐसी सर्दी में, इतनी खतरनाक सर्दी में आंख नहीं खुलती। 7:40 की अलार्म भरी थी, बजी, रोना आया नहीं, फोन निकाला चार्जर से, पेट पे रखा 10 मिनट में दोबारा अलार्म बजी। सच में यार थप्पड़ मारे खुद के उठने के लिए। देखो ऐसा सिस्टम हो रहा है, खुद ही थप्पड़ मारने पड़ रहे हैं उठने के लिए। वैसे आपको अब पीला वाला जैकेट नहीं दिखेगा, अब ब्लैक वाला दिखेगा, क्योंकि सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा। मम्मी इधर रोटी बना रही है, अब फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं। आज लिफ्ट नहीं मांगूंगा, सर्दी है यार, पैदल पैदल ही जाऊंगा। भाई ये ऑटो वाले भैया इतनी कतल बातें करते हैं कि आदमी हंस हंस के पागल हो जाए रे यार। मतलब मेरा तो सुबह मूड फ्रेश सा ही हो गया आज। वायरस वापिस आ गया और बस में भीड़ देखी कितनी खतरनाक थी। नहीं, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे, कंडक्टर ने मास्क नहीं लगा रखा यार, मतलब हद है। गवर्नमेंट जॉब वाले ने मास्क नहीं लगा रखा, वाह वाह। एक तो साला है जयपुर का सिस्टम ही खराब है। मैं दिल्ली गया था, वहां पे जितनी सीट है ना उतने ही लोग बैठ सकते हैं बस में, और एक कंडक्टर होता है और एक मास्क चेक करने वाला अलग होता है। किसी ने मास्क हटाया तो फट से बोल देता था मास्क लगाओ। तो देख लो सिस्टम ही यार, ऐसे तो वायरस फैलेगा, कन्फर्म फैलेगा, छुट्टियां हो जाएंगी, घर पे बैठ जाएंगे। तो अभी मेरे पीछे दो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर रही थी कि यार नस काट लेता है, पीछे पड़ा है, पीछा नहीं छोड़ता, फोन कर देता है, मरने की धमकी देता है। मैं बोलती हूँ साले मर जा, तो मरता भी नहीं है, पीछा छोड़े, ऐसी होती है लड़कियां। हाँ पता है, सारी एक जैसी नहीं होती। तो 11 बजे के अब 2:30 बजे फ्री हुए हैं और अभी कचौरी खाने आए हैं, और अंकल जी बहुत शानदार कचौरी बनाते हैं, मतलब मजा सा आ जाता है मेरे को तो खाने में। तो कचौरी आ गई, देखो कड्डी में कितनी टेस्टी लग रही है। थोड़ी देर बैठ के बातें की और अब घर पे जा रहा हूँ। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ठंडा, एक टेंशन हो गई रे यार, मार्च में एग्जाम है, दिसंबर में कॉलेज खुली और अब मार्च में एग्जाम है। एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ और फुल सिलेबस आएगा, अब पता नहीं कैसे होगा। व्लॉग भी बनाना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है, कैसे कंप्लीट होगा सारा। अभी फॉर्म भी भरना है, 1,350 रुपये का फॉर्म भरेगा, उसके बाद में मार्च में एग्जाम होंगे। दिसंबर में खुली, मार्च में एग्जाम, वाह। जब सब सही चल रहा होता है ना तो भगवान भी सोचता है कि खुश कैसे है ये। अब पता है मैथ आएगी, फिजिक्स, कंप्यूटर प्रैक्टिकल, वाइबा, पता नहीं क्या क्या यार। बैक लग गई तो फिर बैक देते रहो, फिर सेकंड ईयर में फिर वो पढ़ो, या लग गए। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, फिजिक्स में बैक लगेगी या मैथ में बैक लगेगी या फिर दोनों में ही लगेगी। ओए बल्ले बल्ले।
तो घर पहुंचते पहुंचते 6 बज गई और आज तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं दी। आधे तो मतलब ऐसे लोग होते हैं कि मुंह पे मना कर देते हैं कि नहीं दे रहे, अब ना को पहले कॉफी पीऊंगा फिर नहाऊंगा, और आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, सर्दी भी बढ़ गई यार। और आते ही मेरी माँ माता खाने लग जाती है, हाथ धो डिटोल। अब बोली बैठ भी कैसे गया तू, देखो बैठने भी नहीं देती। वायरस तो आ रहे, लाग लुक जा तो बड़ी आराम कट है। तो अभी 7:30 हो रही है, अब जाके बिस्तर पे आया हूँ, अब खाऊंगा खाना, और खाना खाते खाते 8 तो बज जाएंगी। फिर 8 बजने के बाद मैं एडिटिंग करूंगा, फिर 10 बज जाएंगी आराम से। और अगर एक सब्जेक्ट को भी मैं 1 घंटा आधी घंटा समथिंग 12 तो बज ही जाएंगे, आराम से बज जाएंगी 12। फिर सोऊंगा 1 बज जाएगी, फिर सुबह 8 बजे उठना भी होता है, फिर सुबह 8 बजे उठ के फिर तैयार होके सीधा कॉलेज जाओ, ऑटो में बस में पैदल, और फिर वहां पे माथा पच्ची करके आओ। फिर मतलब यार मेरे अंदर ना इतनी शक्ति नहीं है रे यार ऐसे इतना। अब प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है तो प्रैक्टिकल फाइल भी बनाओ, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार। अब खाना खाऊंगा और करते हैं इस लोग को इतनी समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले लोग में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू।